जब राम रावण के जीत गए अयोध्या में आकर सुख से रह रहे थे, तभी एक ऐसी घटना घटी कि एक योगी 10 आसमान पर रहकर घर आए तो धोबी ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। तब धोबी ने कहा, रावण सीता जी तो रावण के यहाँ 6 महीने रहकर आई थी और उन्हें राम ने रख लिया था, तुम मुझे कैसे नहीं रखोगे। इस आधार पर धोबी ने उसे रख लिया, समाज ने धोबी का बहिष्कार कर दिया। जब यह घटना राम के कान तक पहुंची तो उन्हें इस बात की चिंता हुई कि कहीं इसके आधार पर जनता में किसी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति न चल पड़े। अतः उन्होंने गर्भवती सीता जी को तीर्थ यात्रा के बहाने भयंकर जंगल में छुपा दिया। वहां पर किसी व्यक्ति ने उन्हें धर्म की बहन बनाया, जिसके पास रहकर सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। जब लव और कुश युवक हो गए तो राम और लक्ष्मण से उनका युद्ध हुआ। जब यह पता चला कि लव कुश तो राम के ही बेटे हैं, तो राम उन्हें ससम्मान घर में रखने के लिए तैयार हो गए, परंतु सीता जी को रखने से इनकार कर दिया। सबने बहुत समझाया, तब राम ने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। राम के आदेशानुसार सीता ने अग्नि परीक्षा की और उसमें पास भी हो गई, परंतु सीता ने घर में रहना स्वीकार नहीं किया और वे दीक्षा लेकर वापस वन में चली गई। बात यहीं से आरंभ होती है। अरे हाँ अवश्य, अब तो सीता ने अग्नि परीक्षा सफल कर ली है, अब तो सीता हमारे साथ राजभवन में रहेंगे। नहीं स्वामी नहीं, अब मुझे इस संसार में नहीं फंसना, अब तो मैं निर्घर दीक्षा धारण करूँगी और अपनी आत्मा का कल्याण करूँगी। दीक्षा माई, आप क्या कह रही है, आप क्या कर रही है, आप दीक्षा ले रही है? ये क्या कह रही है सीते, माना हमने अपराध किया है, हमने आपको वन में भेजा, परंतु आप ये क्या कह रही है सीता? इसमें आपका कोई दोष नहीं था। माना न्याय करना ना आवे जिसे, न्याय प्रिय कहता उसे जहाँ, स्वजन को दे देने से धन नहीं हो जाता कोई महान, किसी को कैसे दे वरदान, सत्य की नहीं परख है जिसे, बिठा कैसे देते हैं लोग न्याय के सिंहासन पर उसे, दिया है मेरा अपराध हो गया, न्याय प्रिय मुझको मत कहना, न्याय है यह अथवा अन्याय, न्याय है मुझे आज सपना, न्याय है मुझे आज सपना। नहीं स्वामी नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं था, मैंने पिछले भावों में कोई भयंकर अपराध किया होगा जिसके फलस्वरूप मुझे यह दंड मिला है। नहीं सीता नहीं, पिछले जन्म में कैसा अज्ञान भरा है, हे मेरे भगवान, चुने चाहे जिसको नेता, नहीं जो उचित दंड देता, नहीं जो उचित दंड देता, किंतु है ये कसूर किसका, हमारा अथवा जनगण का, इन्होंने अपराधी को चुना, किंतु मैं क्यों कहने से बना। नहीं स्वामी, इसमें आपका कोई दोष नहीं था, बस सुना सारे संयोग पहले से ही निश्चित है, विगत भाव में जो बात देकर वही फल देते इस भाव में, किया होगा अपराध भयंकर मैंने बन भाव में, उसी के फल में यह संयोग मिला होगा ना आपका दोष, अधिक से अधिक क्या कहूँ बात, अरे जाने दो बीती बात, अरे जाने दो बीती बात। हम मानते हैं उदर में था सब कुछ जोड़ा, तभी निर्जल वन में छोड़ा, प्रथम हमने नाता तोड़ा, आज तुमने मुखरा मोड़ा, नहीं नहीं मैं जाने ना दूंगा, आज मैं तुमको रोकूंगा। परंतु आपका इसमें कोई दोष नहीं था स्वामी, आपने धोखे से जंगल में छुड़वा दिया, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्या यह
उसको जो चल बनवा दिया, क्या गई न्याय है रामचंद्र
इसीलिए हे जनता के लोगों, आज तक तुम मुझे पहले और सीता को बाद में याद करते आए हो। लोक में भी ऐसा ही होता है, पति आगे रहता है, पत्नी पीछे चलती है, अर्थात उसके कदम कदम पे पत्नी पीछे चलती है। परंतु आज से तुम मुझे बाद में और सीता को पहले याद करना, जिससे तुम्हें यह याद रहे सीता अनुगामी हुए राम। आज से जब परस्पर मिलो तो राम राम नहीं सीता राम बोलना, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा अपराध यही है, सीता अनुगामी हुए राम, सीता अनुगामी हुए राम। आप सभी को स्वागत चाहिए।